दोस्तों, प्राचीन अंडरवाटर का शहर अलेक्जेंड्रिया मिस्र में नील नदी के मुहाने पर स्थित है। आर्कियोलॉजिकल वंडर और हिस्टोरिकल इंसाइट्स के इस चमत्कारिक खजाने को 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा स्थापित किया गया था, जो जल्द ही प्राचीन दुनिया का कल्चरल और इकोनॉमिक हब बन गया। हालांकि ओवर द सेंचुरी सुनामी और भूकंप के चलते इस शहर के कुछ हिस्से समुन्दर की भेंट चढ़ गए। समुन्दर की गहराई में अलेक्जेंड्रिया के अंडर वाटर खंडहरों का खोज करने वाले फ्रैंक गॉडियो और उनकी टीम ने दुनिया के तमाम लोगों के अंदर इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी को डेवलप किया। इस प्राचीन शहर की डिस्कवरी समुन्दर की गहराई में हुई, जिसने इतिहास की एक नई सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का काम किया। वेल, इस डिस्कवरी ने हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मिथ के नैरेटिव को जन्म दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े तो पानी के नीचे मिले स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स के प्रिजर्वेशन को एक यूनिक चुनौती का सामना करना पड़ा, खासकर डेड सी स्क्रोल्स के प्रिजर्वेशन के साथ। खैर, अलेक्जेंड्रिया की खारे पानी के वातावरण ने समय के साथ उन मटेरियल्स को नष्ट किया जो कंजर्वेशन के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस थे। अलेक्जेंड्रिया में शाही क्वार्टर्स और मंदिरों के खुलासे ने टॉलेमिक डायनेस्टी के आर्किटेक्चरल और सांस्कृतिक भव्यता की अनपैरेलल्ड इनसाइट को ऑफर किया। हालांकि अलेक्जेंड्रिया ने लहरों के नीचे से अपने सीक्रेट्स को रिवील किया, जिसने एंशियंट अर्बन प्लानिंग और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखने का नया नजरिया प्रोवाइड किया। पानी में डूबे हुए दूसरे प्राचीन शहरों की तुलना करें तो अलेक्जेंड्रिया के खंडहर शहर कॉस्मोपॉलिटन नेचर पर जोर देते हैं, जो एक कल्चर और नॉलेज के टेस्टमेंट के रूप में खड़ा है। प्राचीन दुनिया में कल्चरल और इकोनॉमिक हब के रूप में अलेक्जेंड्रिया का पोजीशन आगे मिले आर्टिफैक्ट्स के डाइवर्सिटी द्वारा एम्फेसाइज्ड करता है। वैसे अवशेषों की डिस्कवरी को फेरी की लाइट हाउस का हिस्सा माना जाता है, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं। साथ ही ये अलेक्जेंड्रिया की एडवांस इंजीनियरिंग और प्राचीन नेविगेशन में मुख्य रोल का खुलासा भी करते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया के अंडरवाटर खंडहरों के कामयाब एक्सप्लोरेशन न सिर्फ प्राचीन सभ्यता के बारे में हमारे समझ को आगे बढ़ाता है, बल्कि अंडरवाटर आर्कियोलॉजी में आगे की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए भी इंस्पायर करता है। मोरओवर, इन खोजों की कल्चरल लहर ने खोजकर्ताओं के क्यूरियोसिटी को और अधिक बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा राजा तूतनखामन के कब्र की खोज ने तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता को और गहराई से दुनिया के सामने हाईलाइट किया। पानी के नीचे मिले अलेक्जेंड्रिया के खंडहरों ने ग्लोबल लेवल पर पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया। वहीं मेडिटेरेनियन के नीचे अलेक्जेंड्रिया के इस एक्सकवेशन ने खजानों का खुलासा किया, जो शहर के इतिहास और ग्लोरीनेस पर रोशनी डालती हैं। खंडहरों और रेलिक्स के बीच मूर्तियों की, स्फिंक्स और आर्कियोलॉजिकल मार्वेल्स प्राचीन अलेक्जेंड्रिया की कल्चरल और आर्टिस्टिक जेनिथ के बारे में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़े खोजों में से एक ये विशाल मूर्ति टॉलेमी द सेकंड को वर्णन करती है। लाल ग्रेनाइट से उकेरा गया ये विशाल फिगर दो दुनिया के बीच एक ब्रिज के रूप में खड़ा है। साथ ही प्राचीन मिस्र में फलने फूलने वाले मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स के ट्रेडिशन का खुलासा भी करता है। यही नहीं, सी बेड ने भी मिस्र के देवी और देवताओं के मूर्तियों और स्फिंक्स का खुलासा किया। वेल, ये फाइंडिंग्स सिर्फ ग्रीक हेरिटेज को टॉलेमी के द्वारा एक साथ लाने के एफर्ट्स को ही नहीं हाईलाइट करता, बल्कि मिस्र की धार्मिक सिंबल को भी हाईलाइट करता है। शेर का सर और इंसान के शरीर वाला ये स्फिंक्स शासक को बुद्धि और ताकत के प्रतीक के रूप में दर्शाता है, जो ग्रीक
और मिस्र की फैली हुई सांस्कृतिक नैरेटिव को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया से मिले आर्कियोलॉजिकल फ्रैगमेंट्स शहर के आर्किटेक्चरल कौशल और शहरी प्लानिंग के बारे में भी काफी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एक्सकवेशन मिट्टी के बर्तनों और जेवरों के ऊपर भी रोशनी डालता है जो रोजमर्रा के व्यापारिक जीवन में काम आता था। पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन जैसे कि घरेलू बर्तन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और डाइवर्स नीड्स को सजेस्ट करते हैं, जबकि जेवर जैसे कि सोने की बालियां हार और अंगूठियां अलेक्जेंड्रिया के ट्रेड नेटवर्क में निभाए गए महत्वपूर्ण रोल को दिखाती हैं। ये आर्टिफैक्ट्स ना सिर्फ शहर की आर्टिस्टिक चमक का खुलासा करते हैं बल्कि वाइडर वर्ल्ड के इसके कनेक्शन का भी खुलासा करती हैं। इन खोजों से अलेक्जेंड्रिया के अंडरवाटर खंडहर लगातार इस शहर के सबसे शानदार एंटीक्विटीज यानी कि पुराने चीजों के बारे में बताते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1901 में जब गोताखोरों को एंटीकाइथेरा के ग्रीक आइलैंड के पास एक शिपरेक मिला तो उन्हें पहले से ही थोड़ा बहुत पता था कि वे प्राचीन मिस्र के सबसे अद्भुत आर्टिफैक्ट्स में से एक का खुलासा करने वाले हैं, जिसे एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म कहते हैं, जो दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। ये डिवाइस करीब 100 ईसा पूर्व के आसपास का है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग और साइंटिफिक नॉलेज का खजाना है। इसमें करीब 30 ब्रॉन्ज गियर्स थे जो लकड़ी के फ्रेम में कवर थे। इस मैकेनिज्म को लूनर और सोलर एक्लिप्स को प्रेडिक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि जो चीज इसे और अधिक फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि ये मैकेनिज्म एस्ट्रोनॉमिकल और कैलेंडर डिवाइस के रूप में भी काम करता है, जो सूरज चांद और यहां तक कि ग्रहों की पोजीशन को कैलकुलेट करने में सक्षम था। डिवाइस पर मौजूद इंस्क्रिप्शन एक यूजर गाइड के रूप में काम करते हैं, जो यूजर्स और क्रिएटर के बीच हुई एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की समझ का खुलासा करते हैं। हालांकि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट्स का ओरिजिन अभी भी रिसर्चर्स के बीच एक पहेली बनी हुई है, जिसके चलते लोगों में इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इस मैकेनिज्म के पीछे का प्रिंसिपल आर्किमिडिस से इंस्पायर्ड हो सकती हैं। हालांकि वो डिवाइस बनने की अनुमानित डेट से पहले के थे। खैर, शिपरेक में मिले इस डिवाइस से ये अनुमान लगाया गया कि प्राचीन अलेक्जेंड्रिया शहर के समय ये नेटवर्क और कल्चरल एक्सचेंज के रूप में स्थानीय लोगों के साथ जुड़ा था। इस तरह के कनेक्शन की वजह से पूरे मेडिटेरेनियन में टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज को फैलाने में काफी मदद मिली। खैर, चल रही रिसर्च लगातार इसके सीक्रेट्स का खुलासा करते रहते हैं। वैसे इस मैकेनिज्म के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।